तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो गैर आइनी तौर पर सदारती आर्डिनेंस नाफिज किया है, हम समझते हैं कि ये जो सूबों की वादानियत है उनके हक़ हुकुमरानी छीनने की एक साजिश है। ये इस तरह अगर मुल्क के अंदर फेडरेशन तौर पर इस मुल्क को नहीं चलाया गया और आइन और कानून की वायोलेशन की जाएगी तो लोग यकीनन एहतजाजन निकलेंगे। आज हम समझते हैं कि सुबह सिंध की हुकूमत जो करप्शन में डूबी हुई है, उन लोगों ने अपनी करप्शन को तहफ़ देने के लिए चाइनीज़ को और वफाकी हुकूमत के साथ मिल के ये सिंध के साहली समुंदर पे कब्जे की एक साजिश में शामिल हुए। तो हम समझते हैं सिंध के कौम पर सरापा एहतजाज हैं, ये गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदाम जो उठाए जा रहे हैं इनको जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये सिंध के लोग इस तरह मज़ामत करते रहेंगे। पूरे मज़ामत तहरीक की तरफ से एहतजाज है।